Assalamu alaikum, dear aspirants. I am Nasir Khan and I'm PhD in media and crime, and I have been teaching gender studies to CSS students since 2017. आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सबसे पहले ये बताया जाए कि जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट के अंदर जो 2022 के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उस हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और आपने उनकी प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द टॉपिक्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जब आप जेंडर स्टडीज़ पढ़ना और पढ़ाना टेक्निकली मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। जेंडर स्टडी के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? जब भी आप सीएसएस के अंदर किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं और पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आपको सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप उस डायरेक्शन में सब्जेक्ट को ले कर चलते हैं। जेंडर स्टडी के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है, क्लियर रखें अपने दिमाग के अंदर कि वाई वुमन इज़ ऑप्रेस्ड, वाई वुमन इज़ सप्रेस्ड एंड हाउ टू एरेडिकेट हर ऑपरेशन एंड सप्रेशन। ये चीज आपने अपने दिमाग के अंदर रखनी है थ्रू आउट द होल प्रेपरेशन ऑफ द जेंडर स्टडीज के। औरत ऑप्रेस्ड क्यों है और उसकी ऑपरेशन को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। जब आप इस ऑब्जेक्टिव को अपने सामने रखेंगे, तो अब आप जेंडर स्टडी को जब पढ़ेंगे, तो आपका जो टिल्ट होगा वो टुवर्ड्स वुमन रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका टिल्ट जो है दैट मस्ट बी टुवर्ड्स द वुमन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट वुमन इज इनोसेंट। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी, इसके वन बाय वन हम इसके चैप्टर्स के ऊपर आते हैं। ये पूरा सब्जेक्ट जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 9 डिफरेंट चैप्टर्स। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जेंडर स्टडी के पेपर के अंदर आपने 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, 4 सवालों के अंदर इन 9 चैप्टर्स का जो पूरा जनरल नॉलेज है वो आपने डालना होता है। पहला चैप्टर जो है वो दैट इज ऑल अबाउट दी जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज क्या होती हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऑटोनॉमी इंटीग्रेशन डिबेट क्या होती है, इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है। एक चीज मेरी, सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो याद रखें, जो जेंडर स्टडीज के स्टूडेंट हैं, जब आप जेंडर स्टडी की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी नोटबुक के पहले पेज के ऊपर जेंडर से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 इश्यूज को हाईलाइट कर लें। उस नोटबुक के ऊपर 10 से 15 इश्यूज लिख लें, जैसे कि जेंडर से रिलेटेड इश्यूज कौन कौन से हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, रेप है, ऑनर किलिंग है, एसिड थ्रोइंग है, फोर्स्ड मैरिज है, डाउरी है, वुमन के हेल्थ के इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसकी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, हैरेसमेंट के इश्यूज हैं। ये सारे इश्यूज 10 से 15 इश्यूज आपने सबसे पहले हाईलाइट कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं इश्यूज को आपने रेपिटेशन के साथ जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। पहला चैप्टर जो इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है कि जेंडर स्टडीज क्या होती है या वुमन स्टडीज क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और जेंडर ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट क्या होती है, ये पहला चैप्टर है। इसमें से एक सवाल मस्ट आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जेंडर स्टडीज या वुमन स्टडीज की इंपॉर्टेंस जो है वो या सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के अंदर क्या है। इसका जवाब जब आप लिखते हैं, बहुत सारे लोग इसका जवाब लिखते हुए कंफ्यूज होते हैं, वो इधर उधर की बातें लिखते हैं। इसका जवाब बड़ा टू द पॉइंट है। आपने इसका जवाब इस तरह से लिखना है कि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट हैज द वुमन ऑफ द वुमन पाकिस्तानी वुमन हैज बीन फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको पहले पेज के ऊपर लिखवाए हैं उनका आपने डिस्कस करना है। हर प्रॉब्लम के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है कि ये प्रॉब्लम एक्सिस्ट करता है, और एट द एंड आपने ये लिखना है कि पाकिस्तान के अंदर वुमन की कंडीशन को बेहतर करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना जरूरी है, इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करना जरूरी है। इन प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी ये चीज है कि जेंडर स्टडीज या वुमन स्टडीज के सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटीज लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कैंपेनिंग की जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए और मीडिया के थ्रू जो है वो इस इशू को सेंसिटाइज किया जाए। दैट्स व्हाई जेंडर स्टडीज और द वुमन स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। तो ये सवाल आपने इस तरह से करके करना। इसी तरह ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इसके साथ शामिल है। ऑटोनॉमी का मतलब सब्जेक्ट की ऑटोनॉमी है कि एक यूनिवर्सिटी एक सेपरेट डिपार्टमेंट रखती है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट के साथ जो है वो यूनिवर्सिटी एक डिग्री ऑफर करती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडीज़ के ऊपर जो है 12 यूनिवर्सिटीज़ बीएस करवाती हैं,
छह यूनिवर्सिटीज एमएस करवाती हैं और एक यूनिवर्सिटी जो है वो पीएचडी करवाती है, एंड दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। ये सब्जेक्ट की ऑटोनॉमी है कि एक डिपार्टमेंट या एक बाकायदा डिग्री जो है वो एक यूनिवर्सिटी करवाती है, ये सब्जेक्ट की ऑटोनॉमी है। जब हम इंटेग्रेशन की बात करते हैं तो इंटेग्रेशन का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट को जो है बाकी जो डिग्रीज होती हैं जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मेसी है, बिजनेस है, जो भी आप पढ़ते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर जेंडर स्टडीज या वुमन स्टडीज के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, ये सब्जेक्ट की जो है वो इंटेग्रेशन है। ये पहला चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है जो आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है जिस तरह से कि मैंने आपको बताया। सेकंड जो चैप्टर है इसका, दैट इज अबाउट द कंस्ट्रक्शनिज्म। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शनिज्म की थेरीज पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शनिज्म की थेरीज कौन कौन सी होती हैं, उसके अंदर हम पढ़ते हैं जेंडर परफॉर्मेटिविटी, उसके अंदर यानी एक एक्शन अगर आप रिपीट करते हैं तो वो आपका रोल बन जाता है, ये जेंडर परफॉर्मेटिविटी है। जेंडर परफॉर्मेटिविटी के बाद हम पढ़ते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच, एंटी फेमिनिस्ट अप्रोच, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, सेक्स रोल थेरी या सोशलाइजेशन, और उसके बाद जो लास्ट थेरीज की हम पढ़ते हैं वो है क्वीन थेरी। ये कम से कम 6 से 7 थेरीज हैं कंस्ट्रक्शनिज्म की जो हम पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शनिज्म के बिल्कुल एक एंटायरली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है एसेंशियलिज्म। कंस्ट्रक्शनिज्म सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, एसेंशियलिज्म बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म है, यानी बचपन से जो चीज आप पैदा हुए आपका रोल वहीं से डिफाइंड है। और इस कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं, कंस्ट्रक्शनिज्म इज कॉल्ड नर्चर एंड एसेंशियलिज्म इज नेचर। सो नर्चर वर्सेज नर्चर, नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट भी इसी के अंदर है। इसमें से भी एक क्वेश्चन मस्ट आता है जो आपने अटेम्प्ट करना होता है। चैप्टर 3 जो है वो इसके बारे में मैं कहता होता हूँ कि ये पूरे जो जेंडर स्टडीज है इसका जो है वो मदर ऑफ जेंडर स्टडीज है फेमिनिस्ट थेरीज। फेमिनिस्ट थेरीज जो है वो इसी चीज के ऊपर है कि वुमन ऑप्रेस्ड क्यों है। लिबरल फेमिनिस्ट कहता है कि सोशल कस्टम्स की वजह से वुमन ऑप्रेस्ड है। रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहता है कि पेट्रियार्की की वजह से वुमन ऑप्रेस्ड है, और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ये कहता है कि कैपिटलिज्म की वजह से वुमन ऑप्रेस्ड है। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ये कहता है कि पेट्रियार्की प्लस कैपिटलिज्म की वजह से वुमन ऑप्रेस्ड है। साइको एनालिटिक फेमिनिज्म वाले ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से वुमन ऑप्रेस्ड है, और जो आपका पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट है वो कहता है कि लैंग्वेज की वजह से वुमन ऑप्रेस्ड है और वुमन हर सेल्फ वुमन की ऑप्रेशन की कॉज है। ये बहुत ही अहम चैप्टर है जिसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट जो है वो बेस कर रहा होता है। उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बारे में है जो वेस्ट के अंदर चली, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, और उनका इंपैक्ट पाकिस्तान के अंदर। इसमें से भी एक क्वेश्चन मस्ट आता है। उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो जेंडर एंड डेवलपमेंट के ऊपर है जिसमें हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ थेरीज, मॉडर्नाइजेशन थेरी, डिपेंडेंसी थेरी, वर्ल्ड सिस्टम थेरी और विड वैड गैड। इसमें से भी एक सवाल मस्ट आता है, समटाइम्स इसमें से 2 क्वेश्चन भी आते हैं ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में हम इसको देखते होते हैं। इसके बाद इस सब्जेक्ट का सबसे अहम जो चैप्टर है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस है। जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है और आपने थेरेटिकली बताना है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की कॉजेस क्या हैं और जेंडर बेस्ड वायलेंस को आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। फिर आप केस स्टडी पढ़ते हैं मलाला यूसुफ़ज़ई की, अपना शर्मीन उबैद चुनाए, मुख्तारा माई, 2 केस स्टडीज आप इसके अंदर और ऐड कर लें जिसके अंदर आसमा जो थी, क्या आसमा जहांगीर और ये नूर मुकदम केस, ये आप ऐड कर लें, ठीक है, तो आपका जो पूरा सब्जेक्ट है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दूं आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेंडर बेस्ड क्राइम मस्ट आएगा, वुमन की या जेंडर स्टडीज की इंपॉर्टेंस मस्ट आएगा, कंस्ट्रक्शनिज्म से क्वेश्चन आएगा, थेरी से क्वेश्चन आएगा, मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा, और जेंडर एंड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आएगा। पूरे 7 क्वेश्चन जो है वो आपको इसी इन्हीं के अंदर से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन समटाइम वो पूछ लेता होता है वुमन पोलिटिकल कोटा, तो वो भी चैप्टर गालिबन 7 या 8 है उसके अंदर मौजूद है। बाकी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको जेंडर स्टडी आता है तो आपको इंग्लिश ऐसे के अंदर वुमन एम्पावरमेंट के सब्जेक्ट पेपर को ऐसे को अटेम्प्ट करते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।